ईद का त्यौहार है, ईद के मौके पर ईदगाह में 5 आदमियों को भी परमिशन दी, हर मस्जिद में 5 आदमी भी नमाज अदा की है। आज शेर काजी का हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है इस्तकबाल का, कि और उनका शुक्रिया अदा करने का कि इन्होंने हमेशा प्रशासन का, राज्य सरकार का सहयोग किया है। जहाँ तक ईद की बात है, ईद के माने खुशी से है। खुशी तब ही होती है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को अपने साथ लेकर के उनको भी खुशी में शामिल करें। आज देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना का महाकाल चल रहा है, जिसकी वजह से चारों ओर बीमारी फैली हुई है, वबा फैली हुई है। हम आज ईद के दिन परवरदिगार से दुआ करते हैं कि इस वबा से हम बचें और पूरा विश्व बचे। मैं ख़ास तौर से आज के दिन बीकानेर के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ईद के माने ही दूसरों की सेवा करने से है। हम लोग इस कोरोना काल में जो करीब है उनकी हम मदद करें, जिनके पास धान नहीं है उनके तक धान पहुंचाएं, जो भूखे हैं लोग उन तक रोटी पहुंचाएं उनके तक, और जो बीमार हैं उन तक हम दवाइयाँ पहुँचाएँ। यही सही महीने ईद हमें संदेश देती है। मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को, राज्य सरकार, राज्यवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और परवरदिगार से दुआ करता हूं कि ये जो वबा है इससे हमें एक ना एक दिन जरूर निजात।